हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इस एडवर्टीजमेंट में। अभी जैसे कि मई जून का जो मंथ होता है, इसमें एडवर्टीजमेंट तो कम आते हैं, लेकिन जो भी है आपके साथ शेयर की जा रही है तो वीडियो के एंड तक देख लें। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, इसकी इमेज आपके साथ वीडियो में शेयर की जा रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिटेल्स पेन एंड पेपर की हेल्प से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, गर्मी छुट्टियां हैं या फिर जून का मंथ है तो ऑलरेडी टीचर रिक्रूटमेंट हो चुकी होती है, फिर भी जितने भी हैं वो मैं आपके साथ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, नर्सरी टीचर, कोच, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेल एंड फीमेल। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए तो अच्छा है 40,000, डॉक्टर मेल एंड फीमेल 50,000, सिक्योरिटी सुपरवाइजर मेल कैंडिडेट, लैब अटेंडेंट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। तो इसमें ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें तो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए, काफ़ी है। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो ये एडवर्टीजमेंट है, थोड़ी अभी इसको, इसकी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं जिससे कि आपको जॉब लोकेशन से लेके बाकी सभी चीज़ें समझ में आए। तो मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की इमेज है और ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है आज 11 जून 2023 को, वीडियो बन रही है 11 जून 2023 को ही न्यूज़पेपर में आई हुई है। वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब एप्लीकेशन नहीं करनी है कुछ भी, ना ऑनलाइन अप्लाई करना है ना ऑफलाइन करना है, आपको डायरेक्ट जो है दिए गए डेट पर दिए गए जगह पर वॉक इन इंटरव्यू ना इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली चले जाना है। तो सचदेवा पब्लिक स्कूल, मौर्य इनकलाब, पीतमपुरा, दिल्ली से वैकेंसीज हैं। कई सारे कैंडिडेट लिखते रहते हैं दिल्ली की वैकेंसीज शेयर करें, दिल्ली क्या वेल कनेक्टेड है सभी जगह से, जहाँ वैकेंसीज नहीं आ रही तो दिल्ली जाके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया वेल कनेक्टेड है। अब इसमें जो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सब्जेक्ट फॉर स्कूल्स इन पीतमपुरा एंड रोहिणी। तो स्कूल लोकेशन है, पीतमपुरा में भी स्कूल्स हैं और रोहिणी में भी स्कूल है, नाम है सचदेवा पब्लिक स्कूल। तो पीतमपुरा एंड रोहिणी दिल्ली दोनों जगह पे है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही जाएं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मेल कैंडिडेट ना जाएं एज इट इज मेंशनड इन द एडवर्टीजमेंट, ओनली फीमेल कैंडिडेट। तो चलिए, पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छी बात यह कि इन्होंने ट्रेंड लिख दिया, ये नहीं लिखा कि सिर्फ बीएड 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 ही चाहिए, ट्रेंड लिखा है। तो पीजीटी के लिए तो बीएड चाहिए रहता है, ठीक है, बट टीजीटी के लिए और भी ट्रेन टीचर ट्रेनिंग है, पीआरटी के लिए डीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीएड जो भी है आप जा सकते हैं। टीजीटी में हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, ट्रेंड, ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट। पीआरटी के लिए ग्रेजुएट भी जा सकते हैं, ट्रेंड होना चाहिए, डीएड है, डीएलएड है, जा सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, क्लास 1 एंड 2 को पढ़ाने के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट। स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट, प्रेफरेबली विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग। लाइब्रेरियन में बीलिप वाले भी जा सकते हैं, एमलिप वाले भी वॉक इन के लिए जा सकते हैं। नर्सरी टीचर में ग्रेजुएट है तो जा सकते हैं, ट्रेंड होना चाहिए, एनटीटी होना चाहिए या इक्विवेलेंट। कोच में मेल एंड फीमेल, टेबल टेनिस एंड योगा के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मेल एंड फीमेल, इसमें दोनों ही कैंडिडेट जा सकते हैं, मेल कैंडिडेट भी और फीमेल कैंडिडेट भी, लेकिन इसमें रिटायर्ड कैंडिडेट है तो अच्छा रहेगा। बैंक से रिटायर हुए हैं, पीएसयू से, गवर्नमेंट सेक्टर से, कहीं से रिटायर हुए हैं तो वो जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। डॉक्टर के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं। वॉक इन के लिए एमबीबीएस होना चाहिए, सिर्फ 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, रिटायर्ड डिफेंस है, पैरामिलिट्री से रिटायर हुए हैं, पुलिस पर्सनल है, 25,000 रुपये पर मंथ, कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी दी जाएगी। लैब अटेंडेंट 12th पास है, फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों जा सकते हैं। सिर्फ टीचर्स के लिए ऐसा है कि टीचर्स के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं। सैलरी एंड एज एज पर रूल, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन नीड नॉट अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु कैन ज्वाइन इमीडिएटली, तुरंत ज्वाइनिंग होगी तो अच्छा है, क्योंकि सेशन शुरू हो चुके हैं तो हो सकता है तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु कैन ज्वाइन इमीडिएटली, जो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, शुड कम फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है। ओरिजिनल जब भी आप कैरी करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि ओरिजिनल मिसप्लेस हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, मिलना मुश्किल होता है। तो कलर, मैं तो ऐसा एडवाइस करती हूँ कि कलर प्रिंट आउट कैरी करें ओरिजिनल की जगह। सर्टिफिकेट्स फोटोकॉपीज ले लें एक सेट, 10 ऑनवर्ड जितने पासिंग सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, उनकी फोटोकॉपीज, लेटेस्ट फोटोग्राफ रखना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ रखना चाहिए, आधार कार्ड आजकल सभी कैरी करते हैं। तो 13 जून को है 11 बजे से 12 बजे तक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, ईवीएस, इंग्लिश, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन एंड लैब अटेंडेंट के लिए। 14 जनवरी को है कंप्यूटर, जो सब्जेक्ट वाइज है, मतलब जैसे टीजीटी हिंदी है तो आपको
हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है तो हिंदी वाली डेट पे जाना होगा। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे पीजीटी टीजीटी कोई भी है, लेकिन अगर ज्योग्राफी के लिए जाना है तो आपको 13 जून को जाना होगा। तो सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो है स्पेशलिस्ट उस दिन बुलाए हों इंटरव्यू के लिए, तो सब्जेक्ट वाइज है यहाँ पर, पोस्ट वाइज नहीं है, ये ध्यान देने लायक बात है। तो 14 जून को, 14 जून को है, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आप इसकी। फीमेल कैंडिडेट्स टीचिंग पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, आप ऐसे भी ले सकते हैं, बाद में जूम करके देख सकते हैं। तो पीजीटी टीजीटी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर तक जो है, नर्सरी टीचर तक ओनली फीमेल कैंडिडेट, बाकी में मेल फीमेल सभी कर सकते हैं अप्लाई।